There are so many people we feel who just don't get the opportunity or don't have the, they feel they don't, usme ek line hai na jo sapne na dekhna, that's kind of the feeling of the movie. So I really feel it's very empowering kind of, I mean from Hollywood. Yes. Well, for a long time we have kind of managed to fight them off, but I think now with Jungle Book and all that, of course, yeah, it's good actually. Because they're dubbing out their movies and so on. So I think it's, we have to be careful and be ready with good stories. Are the content-driven films are more important, or like the star system does exist until now? For me, it's always content. Content is the thing for me. My colleague wants this answer in Hindi. हाँ तो आप मुझे हिंदी में एक बार पूछ लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ. मतलब उसमें उनका कहना ये है कि आपको लगता है कि जो कंटेंट होता है फिल्मों का वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या कि जो सितारे होते हैं फिल्म में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? नहीं, मेरे लिए तो आई मीन हमेशा कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट. अगर कंटेंट के साथ एक सही एक्टर जो स्टार भी है मिल जाए तो मतलब सोने पे सुहागा है. बट कंटेंट इज़ द फर्स्ट थिंग टू स्टार्ट विद. तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो आज की ऑडियंस है वो चेंज हो रही है, वो कंटेंट के प्रति कहीं ना कहीं स्टार बेस्ड फिल्म देखने की, वो स्टार के फिल्म चलेंगे वो तो हम लोग भी देखते हैं क्योंकि हमको मज़ा आता है स्टार को देखने में. लेकिन जो मतलब जिसमें कंटेंट है दैट विल रूल, इसका लॉन्गर शेल्फ लाइफ होगा. अरे हाँ हाँ, मतलब मैं तो मैथ्स में बहुत वीक था, मुझे भी 52 मिला था एक्चुअली 10th में. सो ओके.